नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। त्योंथर रीवा जिले की त्योंथर में शासकीय सीएम राइज हायर सेकेंडरी स्कूल त्योंथर इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार जब से विद्यालय की कमान प्राचार्य श्री नागेश्वर प्रसाद शर्मा ने संभाला है, विद्यालय के अनुशासन की चर्चा चारों तरफ है। विद्यालय के शिक्षण कार्य ससमय संचालित हो रहा है। विद्यालय में शिक्षकों के अभी भी अभाव बना हुआ है। प्राचार्य स्वयं शिक्षण कार्यों में विशेष रूप से रुचि रखते हैं और शिक्षण कार्य करते देखे जा रहे विद्यालय का निरीक्षण भी घूम घूम कर करते हैं कि सभी कक्षाएं नियमित संचालित हो रही या नहीं। सभी शिक्षक नियमित रूप से शिक्षण कार्य करते बताए गए, जबकि पूर्व में प्राचार्य कभी भी शिक्षण कार्य नहीं करते रहे हैं, केवल ऑफिस में गपशप में ही समय व्यतीत करते रहे हैं। कभी त्योंथर शिक्षा का हब हुआ करता रहा है, जिसके पढ़े विद्यार्थी देश और प्रदेश में त्योंथर का नाम रोशन करते रहे हैं। बीच में त्योंथर का शिक्षा का स्तर एवं अनुशासन में काफी गिरावट भी देखने को मिल रही थी, किंतु जब से प्राचार्य श्री नागेश्वर प्रसाद शर्मा पदारूढ़ हुए हैं, विद्यालय का अनुशासन और शिक्षा व्यवस्था ठीक ठाक हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर पदारूढ़ श्री राघवेंद्र सिंह भी इसी विद्यालय के पढ़े हुए छात्र रहे हैं, जो त्योंथर का नाम प्रदेश में रोशन कर रहे हैं। तभी तो कहा जाता रहा है कि ऐसे कितने होनहार छात्र इस विद्यालय से पढ़कर नाम रोशन कर रहे हैं, जिसमें बीच में गिरावट भी देखने को मिला, किंतु अब पुनः लगने लगा है कि श्री शर्मा जी के अथक प्रयासों से यह विद्यालय पुनः शिक्षा का हब बनेगा। अभिभावकों एवं छात्रों में इसका चर्चा क्षेत्र में तेजी से हो रही है, जिसके चलते मुख्यमंत्री जी द्वारा त्योंथर को सीएम राइज विद्यालय की बड़ी सौगात रही हैं। शिक्षकों का प्रयास काफी सराहनीय दिखाई पड़ रहा है। आपकी खबर हमारी नजर, हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट।